कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं सैमसंग गैलेक्सी में जो नोटिफिकेशन होती है, आप बोल सकते हैं जो नोटिफिकेशन हमको रिसीव होती है दोस्तों, उसके अंदर की आपको कमाल की नए हिडन फीचर, नई नहीं तो बोल सकते हैं हिडन फीचर बता रहा हूं जो कि बहुत यूजफुल रहती है। क्या ये फीचर है, कहां मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो बताया मैं आपको नोटिफिकेशन की कमाल के हिडन फीचर के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत यूजफुल है और बहुत काम के। कैसे काम करेंगे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, जैसा कि मेरे पास तो बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है आप देख रहे होंगे। कभी कभार क्या होता है कुछ नोटिफिकेशन मिस हो जाती है और मैं उसको देख भी नहीं पाता हूँ, और हमें लगता है हमें तो यार ये नोटिफिकेशन देखनी है, हम कैसे देखें, तो उसमें फिर हमें ढूंढना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए आपको एक फीचर मिलता है इन अंदर ही, जिसको आप वहाँ पर रिमाइंडर लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऐप की या बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर ऐप की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी वो आपको रिमाइंड करता रहे जब तक आप उसको रीड ना कर लें। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग पर, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नोटिफिकेशन पर, नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर दो ऑप्शन जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ रहते हैं, बट आपको इसको ऑन कर लेना है इन दोनों बटन को, शो स्नूज़ बटन और नोटिफिकेशन रिमाइंडर। ये काम कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आपने ये देख रहे हैं मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब क्या होगा, कोई भी अगर नोटिफिकेशन मेरे पास आएगी तो वहाँ पर आपको स्नोज का बटन मिल जाएगा, जिसके आप बाद में भी वो नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ पर ये गूगल पे सर्विस का एक मैसेज आया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्नोज का बटन दिख रहा है आपको, देख रहे होंगे एक घंटी सी बनी दिख रही है। जैसे मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो वो आपसे पूछेगा कितने देर के लिए आपको स्नोज करना है, कितनी देर बाद इसकी नोटिफिकेशन आपको अगेन दिखाई दे सकी, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जितना भी आपको सेट आउट करना हो आपको उस पर क्लिक करके सेव आउट कर दीजिए, और उतने मिनट बाद या उतने देर बाद आपको दोबारा वो मैसेज वहाँ पर दिख जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कमाल की दी गई है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया नोटिफिकेशन रिमाइंडर वाला दोस्तों, ये फीचर बहुत शानदार है। ये क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि मिस ना हो, तो आपको रिमाइंड एवरी भी पहले कितने देर बाद आपको रिमाइंड करना है, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद और 15 मिनट बाद मैक्सिमम। जैसे कि मैंने यहाँ 15 मिनट बाद सेट आउट कर दिया है, और यहाँ पर ऐप को सेलेक्ट कर लेना है कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे कि भाई कॉल मिस हो गया हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और या फिर अगर आप मैंने मैसेज लगा के रखा हुआ है कि मैसेज की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई और दूसरी ऐप है इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या अदर एनी अदर ऐप्स है जिसकी आपकी नोटिफिकेशन मिस नहीं चाहते हैं, तो आपको उस ऐप को सेलेक्ट करके ऑन कर देना है बस। अब उसकी नोटिफिकेशन आपकी मिस नहीं होगी, जब भी उसकी नोटिफिकेशन आएगी अगर आपने रीड नहीं करा तो एवरी 15 मिनट्स बाद वो आपको दोबारा रिमाइंड कराता रहेगा, भैया वो उसकी नोटिफिकेशन पेंडिंग है आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है जो कि बहुत शानदार है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दिया करो, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो यार डिसलाइक करके कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे पता तो चले यार मेरी वीडियो में कमी क्या है। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो थैंक यू।